तो आर्थिक स्थिति तो इसके ऊपर डिपेक्ट है हमारी, हम हमारी खेती कैसी होगी। हम तो अभी ये बीज बो दिया, तो अब ये बीज कैसा लगेगा, इसके कैसे मतलब कितना निकाल, हमें कितना निकालना और ये कितना देगा और भाव क्या मिलेगा, इसके ऊपर डिपेक्ट करती है आर्थिक स्थिति। उस समय तो पुरुष तो ऐसे बोलते थे कि ये आए हैं ना ये फर्जी है, सब पैसे ले लेके भाग जाएंगे, मतलब लोगों की गलत सोच थी। यहाँ कृषि पाठशाला पे कृषि से की ट्रेनिंग दे रही होती थी, तो वहाँ मैं भी जाती थी, तो वो जितना बताती और मेरे को समझ रही जितना मैं बताती थी किसानों को। पाँच सौ लगाए तो उसमें से 200 पौधे 100 पौधे हमारे नहीं आते। अभी अभी जो नर्सरी करते हैं उसमें जितने पौधे लगाने उतने उसमें से बिल्कुल कम नुकसान होता है हमारे को। आज का भी हमारा कम से कम 3 दिन पहले ले गए थे 4,000 का बिल बना था सब्जी का, और आज का हमारा बना 2,500 रुपये का। मंडे को हमारी मीटिंग होती है 8 बजे, तो सारी महिलाएं वहाँ इकट्ठी हो जाती है, और एक बक्सा है हमारे पास में, तो जो बच्ची की राशि है ना वो उस बक्से में डाल देते हैं। चाबी मेरे पास में है तो बक्सा दूसरी महिला के पास में, ऐसे मतलब एक दूसरे के पास में रहता है। और किसी को पैसों की ज़रूरत है तो उसमें लेन देन किया जाता है, तो वहाँ से हमें थोड़ा कम ब्याज में और जो छोटी छोटी किस्तों में हम वापस चुका सकते हैं। अब अपन समूह में जुड़ गए तो छोटा छोटा लोन लेके कोई कुछ कर रहा है, कोई आटे की चक्की लगा ली तो उसमें से ही आमदनी हो रही है, तो थोड़ा तो बदलाव हुआ ही। अगर हम सब किसान लोग खेती बाड़ी से और पशुपालन से ही जुड़े हैं तो क्यों ना एक अपनी कंपनी बनाई जाए। तो अपने टीम लीडर से बात करके हमने अपनी एक कंपनी का शुरुआत की, जिसका नाम रखा अपनी सहेली प्रोड्यूसर कंपनी। यहाँ पे घी भी मिलता है, पनीर भी बनता है, मावा भी बनता है, मसाले का काम भी हो रहा है, तेल का काम हो रहा है, शहद का काम कर रहे हैं, शहद भी बेचते हैंगे, तेल की पैकिंग का अलग काम हो रहा है, घी की पैकिंग का अलग काम हो रहा है। बाहर से लेते हैं तो मिलावट आती है, यहाँ मिलावट नहीं मिलेगी, सारी चीज़ें शुद्ध मिलेंगी। यहाँ से बन के सामान दिल्ली जाता है मॉल में। आज मंजरी नहीं होती तो आज शायद हम यहाँ नहीं होती, क्योंकि रास्ता बताने वाली तो वही है। इस मंजरी फाउंडेशन से जुड़ के मैंने अपने भविष्य में जो किया है, शायद मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा काम करूंगी। हम तो ये चाहते हैं हमारी कंपनी 100 करोड़ पे पहुंच जाए, तो हम तो ये सपना देख रहे हैं। और मैं तो ये चाहती हूँ कि पूरे भारत में नाम हो मेरी कंपनी का, कि हाँ अपनी सहेली प्रोडक्शन कंपनी धौलपुर में चल रही है।